और मधुपुर उपचुनाव से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 11 बजे तक के लिए अगर हम बात करें तो 35.6% मतदान हो चुका है, बहुत ही तेजी से मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक ये आंकड़ा 10% का था, लेकिन उसके बाद 2 घंटे में ये आंकड़ा बढ़कर अब 35.6% तक पहुंच चुका है। अंदाजा लगाइए कि सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत होती है और 11 बजे तक का जो आंकड़ा आता है वो 35.6% का आता है, यानी कि मैच 4 घंटे में यह आंकड़ा 35.6% पर पहुंच चुका है। और ये 2019 के विधानसभा चुनाव में जो आंकड़ा मतदान प्रतिशत का था उससे महज 5% ही नीचे रह गया है, यानी सिर्फ 4 घंटे में पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े से महज 5%। तो अंदाजा लगाइए, कैलकुलेट कीजिए कि अगले 4 घंटे में स्थिति कहां पहुंचेगी। और अब चलिए आपको कुछ तस्वीरें ऐसे दिखाते हैं जो खास इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से, कैसे वोटिंग हो रही है, क्योंकि बहुत से पोलिंग स्टेशन है वहां से वेबकास्टिंग की जा रही है। तो पल पल के जो आंकड़े हैं, अपडेट हैं, वो निर्वाचन मुख्यालय के आप देख सकते हैं, इनके जरिए वेबकास्टिंग हो रही है कई मतदान केंद्रों के जरिए, कई मतदान केंद्रों पर। तो और पल पल की जानकारी यहां पर निर्वाचन मुख्यालय ले सकता है इस वेबकास्टिंग के जरिए, और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शहनवाज जख्तर ने कि कैसे रांची में बैठकर वहां जो हो रही वोटिंग उससे जुड़ी हर एक जानकारी, उसका हर एक पहलू यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है, क्लोजली वॉच किया जा रहा है। शहनवाज ने जायजा लिया है, दिखा रहे हैं आपको। मुख्यालय से वेबकास्टिंग की सुविधा है और चप्पे चप्पे पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतदाता किस तरह से वोट कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसर्स का क्या बिहेवियर है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। यहाँ पर लगभग 250 जगहों पे वेबकास्टिंग का टेलीकास्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है, और अगर कहीं कोई विसंगति दिखाई देती है तो फौरन यहाँ से टेलीफोन करके वहाँ पर स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। ये चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है वेबकास्टिंग, और इसको करने वाले लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आप देख सकते हैं सब लोग एक एक माइन्यूट चीजों पर भी निगाह रख रहे हैं। बताइए सुबह से लेकर अब तक क्या पा रहे हैं वहां पर? वहां सुबह से लेकर के अभी तक मैं जो भी मतदान केंद्र है, अगर किसी का कोई खिड़की खुला है उसको बंद करवा रहे हैं, किसी का वोटिंग कंपार्टमेंट जो है अगर ठीक से नहीं लगा है उसको डायरेक्शन देकर ठीक कर रहे हैं, कैमरा का ये एंगल है उसको ठीक करवा रहे हैं। तमाम सुरक्षात्मक व्यवस्था और कोविड प्रोटोकॉल सब? हाँ, सब ठीक ठाक लग रहा है, कोविड का पूरा ध्यान रखते हुए सब उसका अनुपालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह? सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कितनी जगह से वेबकास्टिंग कर रहे हैं अभी? 245 मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग हो रहा है। अच्छा, 13 मधुपुर में। अच्छा, सब कुछ शांतिपूर्ण है? कोई चीज अभी रिपोर्ट हुई है? अभी सब शांतिपूर्ण है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कोई ईवीएम वगैरह खराब होना? कोई ईवीएम खराब हो रहा है ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और 10 बजे तक सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। चलिए, तो 10 बजे तक सब ठीक ठाक है, जो एक पहला जो 2-3 घंटा होता है अभी तक तो ठीक ठाक गुजरा है, और 9 बजे की परसेंटेज भी आ गई है, मैंने आपको बता दिया है 10.4%, ये ऑफिशियल आंकड़ा है मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग का। और मधुपुर में अब तक सब कुछ शांत, सब कुछ सहूलियत के साथ जैसी प्लानिंग की गई थी वैसा चल रहा है, और लगभग 250 बूथ से वेबकास्टिंग यहाँ पे आ रही है, और इस वेबकास्टिंग के माध्यम से एक एक चीज की बारीकी से नज़र रखते हुए उसको देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है उसकी, अधिकारियों को उसकी सूचना दी जा रही है, और सब कुछ अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। फिलहाल बैक टू द स्टूडियो।